गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 अगस्त 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार ये अभियान शुरू किए हैं दिल्ली ने। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में शुरू आए ये, इसका पूरा नाम यही है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। वैसे इसका नाम हर रविवार डेंगू पर वार। अब ये अभियान है क्या? तो इसमें ये अभियान 10 हफ्ते तक चलाया जाएगा और 10 बजे चलाया जाएगा और 10 मिनट के लिए चलाया जाएगा ये अभियान। अब इसमें होगा क्या, 10 मिनट के लिए लोगों को समय निकालना है इसमें, और घर में जहाँ जहाँ भी पानी भरा है इसमें उस पानी को चेक करना है, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो घर के स्वच्छ पानी में ही पनपता है। और ये अभियान डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए चलाए गए हैं। तो यही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और कल ही बताया था अनिल बैजल ने एक योजना चलाई थी, हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड योजना शुरू की थी अनिल बैजल, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं, जबकि जितने भी जो राज्य हैं उनमें राज्यपाल होते हैं। और दिल्ली से इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो ये बना था 1911 में घोषणा हुई थी दिल्ली की, लेकिन 1912 में बना था दिल्ली भारत की राजधानी, इससे पहले कोलकाता थी भारत की राजधानी। और अभी दिल्ली का नाम नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली नाम कब रखा गया था दिल्ली का? तो ये रखा गया था 1927 में। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो ये बना था 1931 में। सबसे पहले 1911 में घोषणा हुई थी, उसके बाद 1912 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी, उसके बाद में दिल्ली का नई दिल्ली नाम पड़ा था 1927 में, और उसके बाद नई दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1931 में। तो ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं, यही है प्रमोद अग्रवाल। और अभी तक कोल इंडिया के चेयरमैन थे एनके झा, इन्हीं का स्थान लेंगे अब प्रमोद अग्रवाल। और प्रमोद अग्रवाल 1991 में बैच के एमपी कैडर यानी कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं ये 1991 में बैच के। अब ये जनवरी 2020 में ये कार्यभार संभालेंगे, अभी नियुक्त हुए हैं। अभी तक कोल इंडिया के चेयरमैन है एनके झा और जनवरी 2020 से कार्यभार संभालेंगे प्रमोद अग्रवाल। अब ये कोल इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो कोल इंडिया के बारे में बताते हैं। कोल इंडिया की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए गए हैं? तो नेशनल गेम्स डे, तो ये मनाए गए हैं
29 अगस्त को, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 29 अगस्त को मनाए गए हैं अभी राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में खेलों के बारे में, खेलों का जो महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब ये एक और इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे उनके जन्मदिन को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, तो जन्मदिन हुआ था इनका 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्मदिन, और ये हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो इनको खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। और इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1979 को और जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और आज 29 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे है, 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उसके अलावा 12 अगस्त को मनाया गया था अभी नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। और उसके अलावा 6 दिवस को था हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 9 अगस्त को था नागासाकी दिवस, और 19 अगस्त को था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन यानी विश्व मानवतावादी दिवस, और उसके अलावा विश्व फोटोग्राफी दिवस भी था 19 अगस्त को। और अब 29 अगस्त को है राष्ट्रीय खेल दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम निकासी के लिए ओटीपी सुविधा, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सुविधा शुरू की है? तो ये किए केनरा बैंक ने। तो केनरा बैंक ने एटीएम निकासी के लिए अब ओटीपी सुविधा शुरू की है। अब इसमें होगा क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है जिनका केनरा बैंक में केनरा बैंक का एटीएम है, तो उसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालने पर पहले उसके पास ओटीपी आएगा और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही वो पैसे निकाल पाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज में लिया है ओटीपी केनरा बैंक ने एटीएम निकासी के लिए। अब ये केनरा बैंक ने लिया है, तो केनरा बैंक इंपॉर्टेंट है। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और चेयरपर्सन है केनरा बैंक के TN मनोहरन, और MD और CEO है केनरा बैंक के RA शंकर नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, स्पिनर बॉलर हैं अजंता मेंडिस, यही है अजंता मेंडिस, और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये श्रीलंका के प्लेयर थे, इन्होंने अपने करियर में 19 टेस्ट मैच खेले जिसमें 70 विकेट लिए और 87 वनडे मैच खेले जिसमें 152 विकेट लिए और 39 T20 मैच खेले जिसमें 66 विकेट लिए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है अजंता मेंडिस हैं, जो 2008 में जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया था उसमें इन्होंने 6 विकेट लिए थे 13 रन देके, जिससे कि भारत वो मैच हार गया था इसकी वजह से ही। तो अजंता मेंडिस ने भी संन्यास की घोषणा की है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। तो मैप में देखते हैं श्रीलंका को, अब ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे, तो मैप में देखते हैं श्रीलंका को, ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोटे। तो कोलंबो है कॉमर्शियल कैपिटल और जयवर्धनेपुरम में कोटे है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है मैत्रीपाला सिरिसेना, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रम सिंघे। ऑप्शन डी करेक्ट है। और भारत और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो ये करता है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा 25वीं सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप,
तो ये 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आयोजित की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। तो मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को, ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो जो राफेल विमान है, उसी के लिए ही ये सॉफ्टवेयर, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है राफेल विमान के लिए, एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली। तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाए गए हैं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टैक्सेस। तो यही है सीबीडीटी के अध्यक्ष वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। तो यह सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष है, अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, प्रमोद चंद्र मोदी इनसे पर अभी ये फरवरी 2019 में सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे, इनसे पहले थे सुशील चंद्र, वो चुनाव आयुक्त, उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। तो फरवरी 2019 में बने थे सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी, ये वर्तमान में अध्यक्ष है, इन्हीं के कार्यकाल को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूएई में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पवन कुमार को, यही है पवन कुमार, और इन्हीं को ही यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनको किया गया है यूएई में, और अभी तक यूएई में नवदीप सूरी थे भारत के अम्बेसडर यानी भारत के राजदूत। तो नवदीप सूरी का स्थान लेंगे पवन कुमार अब ये, और ये पवन कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है, 1990 बैच के। तो पवन कुमार को अभी नियुक्त किया गया है यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में, अब ये यूएई में बने हैं। तो यूएई को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में यूएई, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है यूएई के यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट है वर्तमान में अब्दुल्ला, यूएई के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नियान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नियान। और अभी 1-2 दिन पहले बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी यूएई का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो सर्वोच्च सम्मान का नाम था ऑर्डर ऑफ जायद। तो यूएई का सर्वोच्च सम्मान था ऑर्डर ऑफ जायद, और इसी से ही नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सेसिल राइट्स ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज है? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज है सेसिल राइट्स, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो ये पेशेवर खिलाड़ी है, तो ये वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज है, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, और इन्होंने 85 वर्ष की उम्र में अभी संन्यास की घोषणा की है, और इन्होंने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट में 7,000 विकेट लिए टोटल। तो 85 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है सेसेल राइट्स ने। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था हाल ही में किस महीने को पोषण के महीने के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सितंबर मंथ को, ऑप्शन सी करेक्ट है सितंबर मंथ। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, और पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। अगर किसी भी क्वेश्चन से या वीडियो से रिलेटेड कोई भी अन्य प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें।
तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और डेली मॉर्निंग में देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विद यू।